नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये तीसरा फार्म विजिट है। ये हमारे पक्का भादुआ में राकेश जी हैं, उन्होंने ये फार्म लगाया हुआ है। ये अभी तक 14 क्विंटल के करीब मशरूम बेच चुके हैं। इनका ये 60 क्विंटल का प्लांट है। थोड़ी कमियां इस प्लांट में भी थी जो मैंने इनको बताई है। इनकी केसिंग है जो वो थोड़ी कम है और केसिंग की मोटाई नहीं है, जिसकी वजह से इनके पिनट्स तो बहुत अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं। चाहे तो अभी ये 4 से 5 क्विंटल मशरूम निकाल सकते हैं इस फार्म में, अभी भी मार्च 10 तक या मार्च 20 तक निकाल सकते हैं। बट इनकी केसिंग कम होने की वजह से इनके पास अभी प्रोडक्शन कम है। ये एक दिन की कम से कम 60 किलो की प्रोडक्शन और ले सकते हैं, फ्लश 1 क्विंटल तक का ये ले सकते हैं अगर इसके ऊपर दोबारा केसिंग कर देते हैं। इनकी केसिंग ना होने की वजह से आपको दिखा सकता हूँ जो नुकसान हो रहा है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये पीला होना शुरू हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जो जब आपका स्पॉन रन होता है, इनका जो स्पॉन रन है वो ज्यादा हो गया, एक्सेस रन हो गया, तो उसको हमें बाद में कवर करना पड़ता है। कवर करने के लिए हम लोग इसके ऊपर, जिसको मैं पहले भी बता चुका, बुरकी लगाते हैं या एक्स्ट्रा एक बार फिर से हम लोग दोबारा केसिंग करते हैं, रीकेसिंग करते हैं, तो इनको रीकेसिंग की जरूरत है। बिना रीकेसिंग के इनके पास प्रोडक्शन कम हो गई है। और ये देखिए, जैसे ये येलोइश हो गए हैं, क्योंकि ये इनके पास ये जो चीजें हैं, ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पानी वाली हो गई है, देखिए, क्योंकि इसमें केसिंग नहीं है। केसिंग होती तो ये मशरूम का अब तक इनके पास आ चुका होता। अभी इनके पास पानी इस मशरूम में ज्यादा है क्योंकि केसिंग कम है। और दोस्तों, आज के दूसरे फार्मों में हमने देखा था कि पानी कम है, इनके में पानी ठीक है, पानी की समस्या नहीं है, पर केसिंग की समस्या है। केसिंग की मोटाई इनके यहाँ कम है, जिसकी वजह से ये मशरूम है जो, ये देखिए सूख गई है, खड़े खड़े ही सूख गई है। इनको थोड़ा सा केसिंग और डालना पड़ेगा। और इन्होंने इनके यहाँ 4 लाइनें लगाई हैं, तो 4 लाइनों में इनके अच्छी मशरूम अभी भी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको, मैं ऊपर चढ़ के भी देखता हूँ अगर मशरूम दिख रही है मुझे तो, हाँ इनके फार्म में अच्छा है, बट कहीं कहीं इनके फार्म में चूहे हैं, आई थिंक चूहे हैं फार्म में। हाँ चूहे इनके फार्म में कई कई चूहे हैं, पर ठीक है वो, क्योंकि खेत में लगा है तो आते हैं चूहे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप चाहे तो ट्रैप लगा सकते हैं। पर इनके जो फार्म की मेन समस्या जो मैं अभी देख पाया हूँ, इनके फार्म में जो मेन समस्या है वो समस्या है इनकी केसिंग की। इनकी केसिंग है जो उतनी अच्छी नहीं हुई है, कम हुई है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं आ रही है, प्रोडक्शन आ रही है, पिनेट्स अच्छे आ रहे हैं, बट पिनेट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे। जितने इनके पास पिनेट इस टाइम है उस हिसाब से इनके आज की प्रोडक्शन मेरे हिसाब से 50 से 60 किलो से ऊपर होनी चाहिए आज की, क्योंकि इतने पिनेट्स इनके पास है कि ये अच्छी प्रोडक्शन अभी भी आगे ले सकते हैं। मैंने इनको सजेस्ट किया है कि ये दोबारा रीकेसिंग करें, केसिंग तैयार करें और कम से कम आधे इंच की केसिंग और डाल दें। और दोस्तों, डरने की बात नहीं है कि अगर आपके पास पीनट है और आप केसिंग लगा रहे दोबारा, तो इससे कोई आपको समस्या होगी। दोबारा रीकेसिंग करने से कोई समस्या नहीं होगी, जो पिन हेड्स हैं वो मशरूम में कन्वर्ट जरूर होंगे। पानी अगर कहीं ज्यादा है तो जो नई केसिंग आप रीकेसिंग करेंगे वो इसको सोख लेगी। तो दोस्तों, आज का ये मेरा तीसरा फार्म विजिट था, तो काफी अच्छा मेंटेन है इनका फार्म, पानी भी अच्छा दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफी साफ सफाई है, साफ सुथरा फार्म है। और इनका ये 60 क्विंटल का फार्म है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हाँ, इनकी एक और चीज की जो हमारी समस्या मुझे इनकी सब लगी कि इनकी जो बेड की मोटाई है वो कम है, इनकी बेड की मोटाई कम है। जो बेड की मोटाई है वो हम 6 इंच कम से कम रखते हैं कि 6 इंच तक होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप निशान लगा सकते हैं, जो भी आप बांस जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसके ऊपर आप 6 इंच का निशान लगा लें कि हमें यहां तक कंपोस्ट डालने। कई जगह इनके में जो कंपोस्ट है वो 3 इंच है या 4 इंच की है, जो कि ठीक है प्रोडक्शन इनके पास आएगी, बट जब आपको सीजन में जिस टाइम मशरूम चाहिए और अगर आप आपके पास उस टाइम मशरूम नहीं आ रही, तो फिर आपका उसका फायदा नहीं है लगाने का। तो अभी क्या है, अभी इनके पास मशरूम भी आ रही है पर कम आ रही है एज कम्पेयर टू, मेरे हिसाब से इनके पास मशरूम अच्छी आनी चाहिए थी। और बाकी कई जगह इनके अब येलो मोल्ड आना शुरू हो गया, क्योंकि सीजन अब जा रहा है, टेम्परेचर बाहर बढ़ रहा है। अगर ये रीकेसिंग करते हैं कई जगह, तो मुझे अभी भी लगता है कि ये रिकवर कर सकते हैं और अच्छी प्रोडक्शन और ले सकते हैं, कम से कम 5 से 6 क्विंटल मशरूम ये और ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो यहीं इसी फार्म पे मैं खत्म करता हूँ। ये फार्म है जो इन्होंने भी छत पे, अगर आप देखेंगे छत पे अगर देखेंगे तो इन्होंने छत पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, छत इन्होंने काफी अच्छी बनाई है। दोस्तों, सब चीजें इन्होंने भी बोरी का इस्तेमाल किया, देख सकते हैं ये राजस्थान के जितने भी फार्म है ये बोरी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो इनको ठंड रखने के लिए कम से कम इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। पानी का काम छिड़काव करके बाहर ये पॉलिथीन लगा देंगे, अंदर पॉलिथीन लगा देंगे तो अंदर का टेम्परेचर, अंदर चाहे ना लगाए पर बाहर की तरफ अगर पॉलिथीन लगाएंगे तो अंदर का टेम्परेचर है वो अपने आप कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। आज बाहर अगर मैं कहूँ
अंदर टेम्परेचर है वो ठंडा है, बाहर की तरफ तेज धूप निकली हुई है तब भी टेम्परेचर अंदर बना हो, क्योंकि इन्होंने बोरी लगाई और बोरी के दोनों साइड पे इन्होंने पॉलिथीन लगाया हो, ताकि जो इसको हीट ट्रांसफर बोलते हैं, हीट ट्रांसफर अंदर नहीं हो रही है। और इनका ये अच्छा मैं सजेशन है, इन्होंने भी बांस है जो ऊपर छत पे वो ठीक लगाए, ज्यादा नहीं लगाए बट ठीक लगाए, जितने ही लगाने चाहिए उतने ही लगाए। तो दोस्तों अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये इनकी केसिंग ओवरफ्लो है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर से जो स्पॉन है वो ऊपर से रन हो गया। मैंने इनको सजेस्ट किया कि फिर से इसके ऊपर रीकेसिंग करें। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं खत्म होते, अगले वीडियो में मैं कोई और फार्म देखूंगा और कोई कहीं विजिट करेंगे, कोई और समस्याएं देखेंगे, अगर होंगी तो समस्याएं डेफिनेटली मैं उनको सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा कि हो सकता है कि शायद मेरे सजेशन या सुझाव से उनका फार्म है जो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।